नमस्ते, मैं कुमारी नूतन नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कटारा प्रखंड बेलहर जिला बांका की शिक्षिका हूँ। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। नमस्कार बच्चों, कल मैं वर्ग तृतीय का पहला अध्याय, पहला लेशन चाचा की शादी का कविता का पाठ की थी, तो आप लोग भी बच्चों मजा आया होगा, आप लोग भी किए थे मेरे साथ। तो देखे थे कि आस्था और आकाश के घर में चाचा की शादी है, तो वो इस शादी में किस किस को बुलाया गया, इसके लिए एक कविता बनाया गया और कविता के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि किसको किसको बुलाया गया। अब उस कविता में कौन कौन से रिश्तेदार आए, मैं एक बार फिर से इस कविता का पाठ कर देती हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी और आप बताएंगे कि कौन कौन इस शादी में आया। चाचा की शादी। चाचा का जब ब्याह रचाया, मेहमानों को न्योता भिजवाया, घर आए सब रिश्तेदार, भरा पूरा अपना परिवार। दिल्ली से मामा मामी आए, संग में नाना नानी आए, साड़ी बिंदी चूड़ी लहटी, कई सौगाते भेंट मिलाए। फूफा फूफी मौसा मौसी बहुत दूर से आए हैं, साथ में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाए हैं। दादा दादी के क्या कहने, उनके हम सब अपने प्यारे, माँ पिताजी खुश हैं कितने, रिश्तेदार जब आए इतने। अब तो इतना सारा रिश्तेदार आ गया, अब आपको नाम भी बता दिए हैं, अब पता करना है कि कौन कौन से रिश्तेदार आए हैं। अब इसमें है कि इस कविता में कौन कौन से रिश्तों का नाम आया है, जैसे कि फूफा फूआ मौसा मौसी मामा मामी नाना नानी दादा दादी चाचा चाची, बहुत सारे रिश्तेदारों का नाम आया है। क्या आप किसी शादी में शामिल होने घर से बाहर गए हैं, किसकी शादी में और कहाँ? शादी में तो हम लोग सबको ही जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे बच्चे, आप लोग भी बच्चों गए होंगे शादी में, तो किसके किसके शादी में गए? नानी घर तो जरूर गए होंगे, मौसी के शादी में, मामा की शादी में गए होंगे ना, गए होंगे। हो सकता है कि फूआ का बेटा बेटी बड़ा होगा, उसके शादी में गए होंगे। मौसा का बेटा बेटी बड़ा होगा, उसके शादी में गए होंगे। और बहुत सारे रिश्तेदार के यहाँ गए होंगे। वहां आपके कौन कौन से और रिश्तेदार आए थे, सूची बनाइए। अब जहां आप गए शादी में, वहां कौन कौन से रिश्तेदार आए, इसका भी एक नाम लिखना है, और आप लोग लिख के लाइएगा और हमको बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों ने किस किस और मेहमानों से मिला। चाचा चाची तो रहते ही हैं, नाना नानी रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, मौसा मौसी रहते हैं, और भी कोई आए होंगे। कौन कौन से ऐसे मौके हैं जब आपके घर बाहर से रिश्तेदार आते हैं? हमारे घर कौन कौन सा ऐसा पर्व होता है, शादी होता है, त्योहार होता है जो बाहर से लोग आते हैं? जैसे छठ पूजा होता है, दशहरा होता है, दुर्गा पूजा होता है, शादी होता है ना, मुंडन होता है बच्चों का, इसमें भी आते हैं। अब किताब में दिया हुआ है, मिलाइए, मिलान करने के लिए दिया हुआ है। इधर कुछ नाम लिखे हुए हैं रिश्तेदार के, और इधर उनके पतियों के, पत्नी के नाम लिखे हुए हैं। जैसे नाना, नाना कौन है? माँ के पिता, माँ के बाबूजी, माँ के फादर को नाना कहते हैं। फूआ के पति को क्या कहते हैं? फूफा कहते हैं ना हम लोग। मौसी के पति को मौसा जी, पिता के बड़े भाई को ताऊ चाचा, माँ का भाई मामा, चाचा की पत्नी चाची, ये सब हैं।
इसके बाद मैं कुछ कहानी बताती हूँ। आस्था और आकाश भाई बहन है, दोनों बहुत खुश हैं। उसके घर में फुआ आए हैं, उनका पैर छूते हैं, फुआ आशीर्वाद देती है और सब रिश्तेदार आए हैं, पड़ोसियों को निमंत्रण भेज रहे हैं दादाजी। दादाजी ने पूछा, आस्था और आकाश तुम लोग भी किसी को निमंत्रण दोगे? दादाजी ने आस्था और आकाश से पूछा, क्या तुमको भी किसी को निमंत्रण देना है? बच्चों तो नाम बता दो, अपने दोस्त को बुलाना है तो। उसने कुछ नाम लिख कर दिए, दादाजी ने निमंत्रण भेज दिया, उसका नाम लिख दिया कार्ड पर। बच्चे बहुत खुश हो गए, इधर उधर सब घूमने लगे। बारात का दिन आया, जिस दिन बारात जाना था घर में काफी भीड़ थी, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। बारात निकली, धूमधाम से निकली। दादाजी ने खुश होकर कहा, कितना अच्छा और बड़ा परिवार है हमारा। आस्था बोली, दादा दादी जी, यह परिवार क्या होता है? आस्था को अजब लगा कि परिवार क्या होता है। तब दादी बताती है, तुम लोग, हम लोग, जैसे चाचा चाची, दादा दादी, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम लोग, हम लोग सब साथ में रहते हैं और जो दुख सुख होता है एक साथ हम लोग मिल बांट करके दुख और सुख को बांटते हैं, दुख में काम आते हैं, सुख में हम लोग साथ रहते हैं, इसी को परिवार कहते हैं, यही हमारा परिवार है। अब तो ये बहुत सारे बात आपको बताए हम, शादी में क्या क्या होता है, कौन कौन आता है, कौन परिवार है, कौन हमारे साथ रहता है, कौन रिश्तेदार है। अब हम आपको जो बताए हैं, जो क्वेश्चन पूछे हैं, वो आप लिख कर लाइएगा और कमेंट में हमको बोलिएगा कि आपको और इसमें क्या जानना है, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो हमको कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे और बताऊंगी। अब मैं फिर दूसरे वीडियो में दूसरा क्लास लेकर, दूसरा चैप्टर लेकर आऊंगी। इसके लिए अब नमस्कार, प्रणाम।